Subscribe and press the bell icon for latest update. भाजपा सांसद उमा भारती ने चुनाव न लड़ने का फैसला करते हुए कहा है कि उन्होंने बीजेपी का साथ उस वक्त दिया था जब पार्टी के पास केवल 2 सांसद थे। इसके जरिए उन्होंने इशारों में पार्टी आलाकमान पर निशाना साधा है कि मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। मैं तो कैंपेनर की भूमिका में रहती हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो जम के कैंपेन करूंगी। तबीयत जिस प्रकार की होती जा रही है, आपको पता होगा मैं एम्स में 2-3 दिन रही हूँ और कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि 8 साल की उम्र से काम करने लगी बहुत और आज 58 साल की हूँ, लेकिन मेहनत इतनी हो गई जो 100 साल का आदमी करता होगा। और मैं सबसे कठिन समय में आई बीजेपी में, 84 में जब बीजेपी के 2 सांसद थे तब मैं बीजेपी में आई हूँ, तो जो सबसे कठिन मेहनत वाला दौर था मैं उस समय पे आ गई। और उसके पहले भी मैं मेहनत कर चुकी थी, पूरी दुनिया में धर्म प्रचार कर चुकी थी, तब मैं आई हूँ। और जो भयंकर मेहनत वाला दौर था उस समय तो मुझे ऐसा दौड़ाया गया गधे की तरह, बिल्कुल रात दिन कोई भी आंदोलन हो बीजेपी का 84 से लेके 2004 तक। उमा भारती का अचानक इस तरह से ऐलान करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने कहा था कि जो चापलूसी से काम करता है वो आगे बढ़ जाता है, जबकि ईमानदारी से काम करने वाले को सजा मिलती है। तो ऐसे में हो सकता है कि कूटनीतिक तरीके से उमा भारती ने पार्टी हाईकमान को ये चुनौती दी हो। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।